अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामईन कराम, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताने वाले हैं कि एक यहूदी आलिम ने अल्लाह के नबी से एक ऐसा सवाल किया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ना था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और उसके जवाब में जल्दी नहीं फरमाई। वो कौन सा सवाल है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। वो सवाल ये था कि एक यहूदी आलिम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया और कहा कि आप हमें बताएं कि ज़मीन का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, उसका जवाब फौरन नहीं दिया और इतनी देर खामोश रहे कि जब तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ ना ले आएँ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँ तो आपने फरमाया कि हमें ये बताएं ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि ज़मीन का कौन सा बेहतरीन हिस्सा है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया ए अल्लाह के नबी, जिससे ये बात पूछी जा रही है वो पूछने वाले से कहीं ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं बारगाहे इलाही से इस सवाल का जवाब लेकर आता हूँ। और फौरन वहाँ से तशरीफ़ ले गए और बारगाह इलाही में जाकर ये सवाल पेश किया और उसका जवाब लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी से बताया ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन का बेहतरीन हिस्सा मस्जिद है और बुरी जगह बाज़ार है। इन बातों से हमें ये मालूम होता है कि किसी के सवाल का जवाब देने में जल्दी ना किया जाए। हो सकता है कि वो पूछना कुछ और चाह रहा हो और हम उसके सवाल को न समझ करके जल्दी के चक्कर में कुछ और जवाब दे दें। और इन बातों से एक बात और मालूम होती है कि हर बात का इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था, और जो लोग ये समझते हैं उन्हें इन बातों को समझना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मैं आपके पास दीन की छोटी छोटी और बहुत अहम बातें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।